इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला ने मेवात में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी बनती है तो ऐसी योजना लागू करेंगे कि आने वाली 7 पीढ़ी को भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। लोगों को नसीहत दी और कहा कि कोई परेशानी है तो वो अपना वोट ना खराब करे। कहा कि आपसी भाईचारा कायम रख जात पात का नारा देने वालों को सबक सिखाना है। सीएम पर वार साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के कुशासन में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। मेरी पार्टी के प्रत्याशी जो आपके सहयोग और समर्थन से विजयी होंगे उनके वोट से फिर मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। इसलिए आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों को देख रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है यार, पूरा का पूरा मेवात एकजुट है, इकट्ठा है, कोई मतभेद नहीं है। मैं इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और फिर भी अगर कहीं संकोच है थोड़ा हो, किसी साथी के एक दूसरे के साथ नहीं बनती है तो अपनी नाराजगी वोट के माध्यम से निकालने की चेष्टा मत करना, अन्यथा ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा और युवा पीढ़ी की सारी आकांक्षाएं और इच्छाएं धूल में मिल जाएगी, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ कि आप उसकी रंजिश को निकालने का वक्त नहीं है, इकट्ठे होकर के इस तानाशाही सरकार का अंत करो। चौधरी देवीलाल की इच्छाओं को फूल चढ़ाते हुए ये प्रण लेता हूँ, यदि आपके सहयोग और समर्थन से अगली दफा सरकार बनाने का मौका मिला तो मेरी पहली कर्म से मैं एक ऐसा कानून बनाऊंगा, धारा 7 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा दूंगा। खाद नहीं मिलती है तो और किसान को उसकी उपज के लाभप्रद मूल्य भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से किसान के सर पर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है और कर्ज अदा न करने की सूरत में मजबूर किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इस 9.5 साल के कांग्रेस के प्रशासन में, इस नालायक सरकार के दौरे हुकूमत में, किसान की सूरत में सुसाइड कर चुके हैं।